तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है वीडियो वर्जन में। आई विलेशन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली बार तो हम 5 जिम बैच हार ही गए थे क्योंकि हमारा लेवल बहुत कम था इसलिए, पर हम लेवल बढ़ाने के बाद ही जा सकते हैं। पर तो आज हम एक नए मैप खोलने जा रहे हैं। हम तो बस 2 ही मैप खोले हैं या अरे मैसेज, हाँ ठीक है इसे आप सेव करते हैं। आओ, उसका नाम क्या है, एक्टिव। ओह, वो किंग बक्सर छोड़ रहा है, मेरे पास तो अभी है। मैं ब्लेज भी तो इसे हरा ही देगा। तो आ जा, ब्लेज कैनन मारते हैं। क्या वो भी मुझे पहले करेगा? ओह, वो तो चेंज किया, उसके पास भी जानू हिल पे क्या? कोई बात नहीं, उसके पास 600 ही है। फिर से फ्लेम पंच, अरे नहीं लिफ्ट स्ट्राइक पर मुझे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। अब बस एक ही मार से वो हट जाएगा। फ्रेम पंच फिर से मारते हैं। अरे क्या वो पॉइजन गैस मेरे ऊपर नहीं लगा, बहुत अच्छे। पर वो हार गया क्योंकि मुझे मारा है। उसका तीसरा था, उसका उसी डन आ गया। वो ये तो एक्टिव कुनो जैसा ही है, बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, उसका तो लाइफ बहुत कम है, वह हार जाएगा। ओरिजिनल लाइफ मारते हैं, इससे मेरा भी लाइफ बढ़ेगा। उतना ही वो मेरा कमा भी लिया। और फिर से ब्लेज कैनन ट्राई करते हैं। वो फिर से मारा मुझे, ओ नहीं वो वाटर लगा दिया। पर मेरा तो ये उसका 2 पोकेमॉन मतलब पेड़ हरा ही गया। ओ उसके पास तो जनरल का लास्ट एवोल्यूशन भी है। मुझे पता नहीं कि वो कौन है, पर जो भी हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और वह मुझे सरेंडर कर दिया। ये मैच तो मैं ही जीतने वाला था। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ तो हम कहाँ थे, तो यहाँ ये भी है। हाँ आज हम जा रहे हैं एक नया मैप खोलने में, तो चलो चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ कि पोकेमॉन मतलब ये जो पेड्स हैं इन्हें कैसे इवॉल्व करते हैं। पहले डॉक्टर के पास चलते हैं क्योंकि मेरा ब्लेज बेयर का लाइफ बहुत कम है। अच्छा, वुड यू लाइक टू रेस्ट योर पेट? यस। हो गया, मैं बताता हूँ कैसे इवॉल्व करते हैं। पहले आप टीम पर चलिए, फिर मेरा ब्लेज बेयर का लाइफ तो बढ़ गया है। हाँ रिप्लेस करेगा अगर आपका यहाँ कोई पोकेमॉन ना हो मतलब पेट्स। मैं इसे पोकेमॉन ही क्यों बार बार बुलाता हूँ। हाँ एक आकोशी को भी भर करते हुए देखते हैं। तो चलो शार्क को भर को निकालते हैं, आकोशी को भी भर करते हैं। आ जाए बस। अब अवेक करोगे आप, मतलब आपका यह लेवल में ही होगा। आप इसे ऐसी तरफ, अगर आपको कोई अटैक नया ऐड करना होगा तो इसे मारेगा। मेरा तो पैसा बहुत कम है, नहीं तो मैं ऐड करता। फिर अवेक करेंगे हम इसे, फिर यहाँ पर जाओ, फिर इसे मार दो, फिर अवेक मारना। अब मेरा तो ये हो ही गया। देखा, इस तरफ हम इसे अवेक कर सकते हैं। मैं अपना सर्कल ले लेता हूँ वापस। तो चलो नया मैप में खोलते हैं। हाँ उसका रास्ता तो मैं यही ही था। यहाँ पे भी एक सबर्ट है यहाँ तो। ओ भाई यहाँ तो फोपिल भी है, ये तो फोपिल का ही एरिया है। अरे कौन आ गया, एक फोपिल। चलो यहाँ से निकलते हैं। इसे तो मैं आसानी से हरा देता, पर मैं अब इसके साथ लड़ना नहीं चाहता हूँ। यहाँ से चलते हैं। अरे नहीं, हाँ आगे। फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? हाँ यहाँ, वहाँ है 3 लेवल। ओ भाई मैं इसे हरा ही दिया था, काश मैं पहले से ही स्टार्ट करता तो अच्छा होता। ये कहाँ से आया? हाँ इसका तो बहुत ही सारा पोकेमॉन है, मतलब 4 ही है।
इससे लड़ना बहुत मुश्किल है, मैं इससे 2 बार हार चुका हूं। अगर आपका लड़ना पसंद नहीं, मतलब इससे देखना पसंद नहीं, तो मुझे कमेंट में जरूर भेजिएगा, मैं लड़ना स्किप कर दूंगा। पहले से ही ये क्या, पहले से ही मेरे ऊपर ब्लज लग गया, पर उससे भी डैमेज मिलेगा क्योंकि वो मुझे मारा। मेरा लाइफ अब थोड़ा सा ही बोलूँगा, बहुत ही बुरा लगता है मुझे। अब पोकेमॉन चेंज करते हुए खेलना चाहिए। ठीक है, तो पोकेमॉन चेंज करते हैं, जनरल को छोड़ते हैं। जनरल का तो, और नहीं वो तो मेरे पास सुपर इफेक्टिव ही है, संभाल कर चलना चाहिए। रॉक ब्रश देखते हैं, बहुत ही कम। अब लीफ स्ट्राइक ही मारते हैं। वो क्या हुआ ये, फिर से लीफ स्ट्राइक मारते हैं। 100 ही बस, उसका एक ही वो क्यों नहीं आ रहा है अब तक। मेरा पास एक ही आ चुका है। मैं ब्लेज भी उसको फिर से ही छोड़ता हूँ क्योंकि वो ही कुछ कर सकता है। अरे यार ठीक है, ब्लेज कैनन ट्राई करते हैं उस पर। ओ बढ़िया, उस पर भी ब्लेज लग गया। ओ ये तो मेरे ऊपर इफेक्टिव भी नहीं हुआ। फिर से ब्लेज कैनन ट्राई करते हैं, वो अब हार ही नहीं चाहिए। हाँ हार गया, बहुत अच्छा। उसके बाद पकवान हार गया। वो क्या, उसके पास कैसी भी है, मेरे पास भी है। फिर से नहीं फ्लेम, अरे ओरिजिनल लाइफ तो मेरा नहीं है। फ्लेम पंच भी मारते हैं, इफेक्टिव। अरे ये तो बहुत कम इफेक्टिव था, पर जितना है उतना तो अच्छा ही हो। वाटर लग गया, नहीं अरे भाई ब्लेज कैनन नहीं मारते हैं। ब्लेज लग जा, अरे नहीं मैं तो हार ही गया, वो मिस हो गया, बहुत अच्छे। और वाटर में मेरा लाइफ ज्यादा, ओ बच गया। अरे कैसे, वो मुझे कैसे मारा, ये तो मेरे ही बारी था। अरे यार अब बस मेरे पास 2 पोकेमॉन ही हैं, मतलब पेट्स। मैं इनको बार बार पोकेमॉन ही क्यों बोलता हूँ। ठीक है, भी सिर्फ ग्रेसिच कैनन ही ट्राई करते हैं, वो उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव है। इतना ही बस, और मिस हो गया, बहुत अच्छा। जनरेट ट्राई करते हैं, वो 5 बार ही बस इस्तेमाल कर सकते हैं ना, इसलिए पहले से ही ट्राई करते हैं। बस 84 ही, वजन कैसे देखते हैं। ओ पी, उस पर वजन भी लग गया, वो हार जाएगा। वो हार गया, बहुत अच्छा। उसके पास मरमेड भी है, बहुत ताकतवर है वैसे भी, पर मेरा ये भी बहुत ताकतवर है। और उसका तो, और नहीं मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो इतना लाइफ मेरा साथ देगा। अब बस इसका मरमेट के बाद और पोकेमोन नहीं है क्या, उसका तो रिस्टोर भी हो रहा है। ऐसे तो मैं हार जाऊंगा, उस पर तो इफेक्टिव भी नहीं हो रहा है। अरे मेरा तो ये भी हार गया, उसका 40 HP बढ़ रहा है। मैं सार्कोवर वाटर टाइप को देखते हैं ये क्या करता है। वाटर स्लैश ही 3 बार जा। अरे यार ये भी वाटर स्लैश मुझे मारा, पर मेरा इतना क्यों। अरे लगता है मैं ये मैच हार जाऊंगा, मिस भी हो गया। अरे यार वाटर व्हील ट्राई करते हैं, ओ नहीं उस पर तो इफेक्टिव भी नहीं हो रहा है, पर मुझे वो हरा लिया। इसका मतलब ही एक ही है, क्योंकि मेरा लेवल बहुत कम है, न्यू मैप भी नहीं खुल रहा है। अब तो बस एक ही रास्ता है कि पोकेमॉन और ट्रेनर्स के साथ लड़ना है। मेरा लेवल कैसे बढ़ाएं, चलो ट्रेनर को ढूंढते हैं। अरे इस मैप पर तो ट्रेनर नहीं है, तो अगले मैप पर चलते हैं। हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा। अरे मैं यहाँ क्यों आ गया, ये तो मैप 2 है ना।
मेरा मैप 3 पर जाना था, इससे तो मैं जीत गया था, तब मेरा 38 लेवल था। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ कोई ट्रेनर्स तो नहीं हुआ? वहाँ एक ट्रेनर्स है, उससे मैं लड़ता हूँ, देखता हूँ। अरे वो लड़ने में कब आएगा? तो छोड़ो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैप 1 में है हम, इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं। आज जो मैं एक ज़रूरी बात बताया था, कैसे इवॉल्व करते हैं हमारे पेट्स को, अगर आपको ये काम आए तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तब तब के लिए बाय बाय।